उत्तरी कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार उरी इलाके में आज सब्जियों से भरा एक वाहन सड़क से फिसलकर सुरक्षा दीवार से टकरा गया। हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार इलाके के पास हुई, जब ड्राइवर ने कथित तौर पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और बारामूला उरी राजमार्ग पर सेना शिविर की सुरक्षा दीवार से टकरा गया। इस हादसे में दो व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनकी पहचान सैयद तजमुल हुसैन और निसार अहमद के रूप में हुई है। दोनों की पहचान सलामाबाद उरी निवासी के रूप में हुई है। हालांकि दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल PHC बोनियार में स्थानांतरित कर दिया गया है। बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सब्जियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक अचानक से ड्राइवर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, अनियंत्रित होकर वाहन सुरक्षा दीवार से टकरा गया और इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार उरी इलाके में आज सब्जियों से भरा एक वाहन सड़क से फिसलकर सुरक्षा दीवार से टकरा गया। हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार इलाके के पास हुई, जब ड्राइवर ने कथित तौर पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और बारामूला उरी राजमार्ग पर सेना शिविर की सुरक्षा दीवार से टकरा गया। इस हादसे में दो व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनकी पहचान सैयद तजमुल हुसैन और निसार अहमद के रूप में हुई है। दोनों की पहचान सलामाबाद उरी निवासी के रूप में हुई है। हालांकि दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल PHC बोनियार में स्थानांतरित कर दिया गया है। बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सब्जियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक अचानक से ड्राइवर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, अनियंत्रित होकर वाहन सुरक्षा दीवार से टकरा गया और इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार उरी इलाके में आज सब्जियों से भरा एक वाहन सड़क से फिसलकर सुरक्षा दीवार से टकरा गया। हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार इलाके के पास हुई, जब ड्राइवर ने कथित तौर पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और बारामूला उरी राजमार्ग पर सेना शिविर की सुरक्षा दीवार से टकरा गया। इस हादसे में दो व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनकी पहचान सैयद तजमुल हुसैन और निसार अहमद के रूप में हुई है। दोनों की पहचान सलामाबाद उरी निवासी के रूप में हुई है। हालांकि दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल PHC बोनियार में स्थानांतरित कर दिया गया है। बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सब्जियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक अचानक से ड्राइवर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, अनियंत्रित होकर वाहन सुरक्षा दीवार से टकरा गया और इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर उत्तरी कश्मीर बारामूला से ये सामने आई है।